ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको ऑस्टर बोला जाता है, यहीं से पूरा सारे एरिया का निकला नहीं रखा जाता है। इस सेल को नेताजी सेल बोला जाता है क्योंकि नेताजी को इस सेल में रखा गया था 1930 में। हेलो एवरीवन, सो आज मैं जा रहा हूँ मेरे एक फ्रेंड से मिलने आसिफ, और उसके साथ घूमेंगे कोलकाता में थोड़ा बहुत। तो हम लोग का प्लान एक बना हुआ है, जाएंगे अलीपुर जो सेंट्रल जेल है उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया, वहीं पे घूमेंगे और आगे के और भी कुछ प्लान बनाएंगे, तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अभी वेट कर रहा हूँ ट्रेन के लिए, अभी 5 मिनट में ट्रेन ऑलमोस्ट आ जाएगा, तो वहीं से ट्रेन में चढ़ेंगे लोकल ट्रेन में और जाके आसिफ से मिलेंगे। मैं अभी आ गया हूँ निगोलिया स्टेशन में और आसिफ के लिए वेट कर रहा हूँ, वो आएगा बहुत जल्दी, वो घर से निकल चुका है। तो आगे का जर्नी जो होगा वो पूरा बाइक से होगा। ये हम अभी आ गए हैं अलीपुर म्यूजियम जो अभी अभी ओपन हुआ है कुछ दिन पहले। ये अलीपुर सेंट्रल जेल था 116 ईयर ओल्ड, और जो जेल अभी लाइक ऑपरेशनेबल नहीं है तो उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। ये म्यूजियम में बहुत सारा स्टूडेंट्स आए हैं, स्कूल का स्टूडेंट्स जो लोग आके बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अभी बता सकते हैं कि अब फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बिल्डिंग किस लिए यूज होता है। ये देख के लग रहा है कि ये सेल ही होगा, यहीं पर कैदी को रखा जाता था शायद। फांसी का मंच है जहाँ पे कैदी को फांसी दिया जाता था, तो ऐसा म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखे हैं। ऐसे दिखने में होता है जहाँ पे इसका लॉक सिस्टम रहता है और ये गेट रहता है इसका, इसके अंदर कैदी को सोने के लिए बिस्तर जो है बनाया गया है, और इनके कॉफी करने के लिए भी जगह कॉफी करना होता है। हम लोग सोच के सोच सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट है जहाँ पर रहना है और इनके कॉफी भी करना होता है। इसमें स्टैचू में दिखाया जा रहा है जब ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश लोग जो इंडियन कैदी को रखते थे, इंडियन लोगों को बंद करके रखते थे, कैसे उन लोगों को टॉर्चर किया जाता है, ये उसका एक सिंबल है। बहुत अच्छा गार्डनिंग करके रखते हैं।
उसमें जो ब्रिटिश लोगों का जो आर्किटेक्चर जो स्टाइल होता था वो पूरा दिख रहा है, और उसको जो एज इट इज़ प्रिजर्व करके रखे हैं, वो कलर मेंटेन करना, वो जो स्ट्रक्चर मेंटेन करना, बहुत सही दिख रहा है। स्पेशल सेल है क्योंकि इस सेल में एक ब्रिटिश लेडी को रखा गया था, जो लेडी जो इंडियंस थे ब्रिटिश लोग जिले के ऊपर टॉर्चर करते थे उन लोगों को हेल्प कर रहा था, तो उस लेडी को यहीं पे रखा गया था, और बाद में उस लेडी को ब्रिटिशर्स इंग्लैंड लेके गए और उनको ऐसे बांध के रख दिया गया पक्षी के सामने, जो पक्षी उनको धीरे धीरे खाते गए, जो बहुत टॉर्चर करके उनको मारा गया था। तो इसमें दिख आगे आगे देख सकते हैं कि इनको बांध के रखा गया और पक्षी उनको खाते रहे। डॉक्टर विधान चंद्र राय जो वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको ब्रिटिश टाइम में इस सेल में रखा गया था 1930 से 1931 तक इस सेल में रखा गया था। इस सेल को नेताजी सेल बोला जाता है क्योंकि नेताजी को इस सेल में रखा गया था 1930 में, जब नेताजी ने मना कर दिया ब्रिटिश रूल फॉलो करने के लिए, उसी टाइम उनको इस सेल में रखा गया था। तो नेताजी बोला जाता है कि उसी टाइम कुछ किताब पढ़ते थे और इसमें ध्यान करते थे, ऐसे करते हैं उनका जो सेल का जो टाइम था वो स्पेंड करते थे। यहीं पे घूम के थोड़ा सैड फीलिंग हो रहा है कि लोगों को यहीं पे सालों साल बिताना पड़ता था, पर जो भी हम लोग कुछ तो क्राइम करते थे और ब्रिटिश टाइम में जो लोग रखा जाता था तो हम लोगों का देश का हीरो है उन लोग, और उसके बाद जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हो गया उसके बाद से जो देश का आइन फॉलो नहीं करते थे, क्राइम करते थे, उन लोगों को भी यहीं पर रखा जाता था। पर इस सोच के थोड़ा बहुत सैड फील होता था कि लोग यहीं पर सालों साल बिता देते थे। स्पेशल है क्योंकि इस सेल में हम लोगों का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था 80 डेज के लिए, और उसी टाइम उनका बेटी जो इंदिरा गांधी उनसे मिलने आते थे वीकली बेसिस में, जो आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते थे, वो लोग बाहर जाके बैठ के बात करते थे, वो हम लोग दिखाएंगे आगे आपको। जगह है जहाँ पे जब इंदिरा गांधी आते थे उनके पापा से मिलने, तो बोला जाता है कि वो वीकली बेसिस में आते थे कुछ 15-20 मिनट्स के लिए, तो वो लोग यहीं पर बैठते थे, मोस्टली एक जगह पे बैठते थे और बैठ के बातचीत करते थे, और उनको प्रोवाइड किया जाता था कुछ पेपर पेन और कुछ लाइक बेसिक चीज़, एक चादर ऐसे कुछ सामान प्रोवाइड किया गया था, जो मतलब एक लाइफ के लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट है, मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको ऑस्टर बोला जाता है, यहीं से पूरा सारे एरिया का निकला नहीं रखा जाता है, पूरा चेक किया जाता है कोई कुछ गलत एक्टिविटीज़ कर रहा है या कोई भागने की प्लान कर रहा है या कुछ भी हो, यहीं से वो मॉनिटर किया जाता था। सेल का जो एरियाज है बहुत बड़ा है, कुछ कुछ जगह अभी भी इनोवेशन चल रहा है, कुछ कुछ जगह हो गया तो उस सब जगह के लिए अभी एंट्री अलाउ है, जहाँ पर अभी भी इनोवेशन चल रहा है वहीं पर एंट्री अलाउ नहीं है, पर यहीं पर बहुत कुछ देखने लायक है, बहुत कुछ जानने लायक है, और यहीं पे बहुत सारा हिस्ट्री जुड़ा हुआ है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपके फैमिली के साथ यहीं पे विजिट करेंगे तो बहुत अच्छा टूर हो सकता है और कुछ बहुत कुछ जानने के सीखने को मिल सकता है। ब्रिटिश टाइम में जब कॉलोनियल टाइम में जब प्रिजन बनाया गया था, ये जो प्रिजन है उस टाइम का बना हुआ सबसे पहला प्रिजन है। बिल्डिंग आप लोग देख सकते हैं कि कितना पुराना है, 116 ईयर ओल्ड।
वो सर सेल है जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था, एकदम इनिशियल जो कॉलोनियल टाइम था उस टाइम में रखा जाता था। अभी हम लोग जा रहे हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस, यहीं पे इंडियन कॉफ़ी हाउस का एक ब्रांच भी ओपन हुआ है, जहाँ पे जाके कॉफ़ी ट्राई करेंगे और देखेंगे क्या क्या फूड मिलता है। अच्छा सा ट्राई करेंगे, ट्राई करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों से शेयर भी करेंगे कैसा है। यहीं पे कॉफ़ी हाउस जो बनाया गया ये फर्स्ट फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में नहीं है, तो इससे ऊपर जाना होता है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं ऊपर। जो सीढ़ी बनाया गया है ना, बहुत सही कूल है, लाइक मॉडर्न टाइप का है, पर लिफ्ट लगा सकते थे, पर सीढ़ी फिर भी अच्छा है, कूल है। हम लोग अभी आके बैठे हैं इंडियन कॉफी हाउस में, यहीं पे मेनू अभी देख रहे हैं क्या ऑर्डर किया जाए। पर ओवरऑल यहीं का जो डेकोरेशन है, जो सीटिंग एरिया है, बहुत अच्छा है, बहुत प्लेजेंट है। इवन आप देख सकते हैं यहीं का जो व्यू है बहुत सही है, पूरा जो म्यूजियम बनाया गया सेंट्रल जेल का, वो पूरा यहीं से देखता है। पर वहाँ पर सीट नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली, क्या कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इनसाइड जो बीच में सीट है वहीं पर बैठे हैं। हम लोग अभी ऑर्डर किए हैं दो अमेरिकनों, जो ब्लैक कॉफ़ी, हम लोग मोस्टली ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, ब्लैक कॉफ़ी हम लोग को अच्छा लगता है। दो अमेरिकन ऑर्डर किए हैं, उसके साथ चॉकलेट कुकी लिए हैं और फिश फिंगर। लेट्स ट्राई करके देखते हैं कैसा आता है। और यहाँ पे और भी बहुत सारा ऑप्शन है, लाइक नॉर्मल मिल्क कॉफ़ी मिलता है जो कैपेचिनो टाइप का होता है, पर इसमें नाम तो कॉफ़ी लिखा हुआ है, और कोल्ड कॉफ़ी भी मिलता है। ऑल्सो कैपेचिनो इज देयर, राइट? सो हॉट कॉफ़ी कैपेचिनो मेनू में है, पर हम लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं इसलिए अमेरिकनो ही ट्राई करेंगे और देखते हैं कैसा होता है। लेट्स सी। अभी शिफ्ट कर चुके हैं विंडो साइड का सीट में, जो बहुत अच्छा है, बहुत सही व्यूज़ है, यहीं से देख सकते हैं पूरा म्यूजियम का व्यूज़ यहीं से दिख रहा है। और उसमें जो कॉफ़ी का जो एरोमा और कॉफ़ी का जो लाइक माउथ फील था, जो एसिडिटी जो फील होता है, वो सही लगा। देन टॉकिंग अबाउट द फूड, हम लोग ऑर्डर किए थे फिश फिंगर, जो मैं बोलूँगा एवरेज था। और उसके बाद कॉफ़ी के साथ हम लोग एक चॉकलेट कुकी ऑर्डर किए थे, जो एकदम बेसिक सा कुकी था, बट ठीक ठाक, उसको मैं उतना अच्छा नहीं बोलूँगा, बट प्राइस के हिसाब से ठीक ही था। और फाइनली हम लोग ऑर्डर किए थे चिकन पकौड़ा, चिकन पकौड़ा वॉज गुड, या ठीक ठाक बोल सकते हैं। पर उसके साथ हम लोग कासुंदी मंगा था, पर एक जाली सा क्या ये लोग सॉस दे दिया था, पता नहीं वो लोग कासुंदी बोल के, जो सॉस अच्छा नहीं लगा था। पर ओवरऑल एक्सपीरियंस लाइक बहुत ही अच्छा था, यहीं पे बैठ के बात कर सकते, बहुत देर तक बहुत कंफर्टेबल था। और हम लोग ग्लास साइड बैठे थे, जो लाइक जो जेल म्यूजियम बनाया था उसका जो सीनरी दिख रहा था बहुत सही लग रहा था। और मेरे हिसाब से इसका जो डेकोरेशन है, लाइक कोलकाता का वन ऑफ द बेस्ट कैफे डेकोरेशन मैं बोल सकता हूँ। और जो इंडियन कॉफ़ी हाउस का जो एक सिग्नेचर होता है, जो सीलिंग फैन, लॉन्ग लॉन्ग सीलिंग फैन होता है, वो भी यहीं पे है, जस्ट फॉर दैट टच, सो दैट यू कैन रिलेट विद दैट ओल्ड इंडियन कॉफ़ी हाउस। और हम लोग वॉशरूम भी यूज़ किए थे, वॉशरूम लाइक बहुत ही सही था, क्योंकि मैं स्टारबक्स में बहुत ज़्यादा मतलब जा चुका हूँ, उस कंपेरिजन में बता सकते हैं कि बहुत बहुत अच्छा था। और ओवरऑल एक्सपीरियंस बोल सकते हो, आप लोग आ सकते हैं, शाम से थोड़ा सा पहले आइएगा, आके म्यूजियम घूमिएगा, उसके बाद आप लोग कॉफ़ी हाउस में आइए, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और अभी जो वेदर हो रहा है कोलकाता में, इस वेदर में परफेक्ट लाइक आउटिंग हो सकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू सून, पीस आउट।